हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो हाउस फ्लाई के बारे में था। उनकी स्ट्रक्चर, उनकी डिटेल स्टडी हमने पढ़ी थी, और साथ में हमने उनका एज ए मैकेनिकल वेक्टर हाउस फ्लाई कैसे वर्क करती हैं और उनका कंट्रोलिंग जो है वो कैसे की जा सकती हैं। आज हम उनके द्वारा जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मियसिस एंड बेसिलरी डिसेंट्रीज। मियसिस एक कंडीशन है जिसमें फ्लाई जो है एग ले कर देती है इन लिविंग वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर, उसकी स्किन के अंदर कैविटी बनाकर, ठीक है, जहाँ से लेग में से जो लार्वी हैच आउट होती हैं वो क्या करती हैं, वो सराउंडिंग स्किन को खा लेती हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक कैविटी जो है वो बन जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ मियसिस जो है वो हो सकती हैं, उस कंडीशन को हम मियसिस बोलते हैं। ये आइज़ में, ईयर्स में, नोज़ में, ओरल कैविटी में, स्किन में, एलिमेंट्री ट्रैक में, यूरोजेनाइटल, कहीं पर भी हो सकती है। मियसिस जो है वो इन्फेस्टेशन होता है स्किन का बाय डेवलपिंग लार्वी, जिसको मैगट्स बोल देते हैं, ऑफ डिफरेंट फ्लाई स्पीसीज। मिया का मतलब होता है फ्लाई, और ये आर्थ्रोपोडा के डाइप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट कॉमन फ्लाई जो होती हैं ह्यूमन इन्फेस्टेशन आर डर्मेटोबिया, जो कि ह्यूमन बोट फ्लाई बोल देते हैं, कोर्डिलोबिया, एंथ्रोपोफेजिया, जो कि टम्बू फ्लाई बोल देते हैं जिसको। बेसिक फॉर्म ऑफ इन्फेस्टेशन जो होते हैं वो थ्री हैं। पहला ट्रोमेटिक और वाउंड, जिसमें लार्वी जो हैं लिविंग और नेक्रोटिक टिश्यू के अंदर जो है फीड करती है, ठीक है, वहाँ पे फीड करेगी तो वहाँ पर वो एक लीजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। पिक्चर में आप देख सकते हैंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का वाउंड और ट्रोमेटिक मियसिस हो सकता है। फिर है फ्यूरनकुलर्स, जिसमें लार्वी जो हैं अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और हेल्दी स्किन के, और फ्यूनिकुलर्स जो हैं वो छोटे छोटे आप देखेंगे वो डेवलप हो जाते हैं दिस पिक्चर में। कैविट्री लार्वी इन्वेड मेनली डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट, ये आपको एक दिखाया जहाँ पर लीजन हो जाता है, ये कैविट्री मियसिस हैं जिसमें लार्वी जो है वो स्किन को जो है फीड अप कर जाती है, तो वहाँ पर एक कैविटी अपीयर हो जाती है, और वहाँ पर जब उसकी डायग्नोज होकर उसकी ट्रीटमेंट होती है तो वहाँ पर इस तरह के लार्वी जो हैं वो निकाले जाते हैं मैन्युअली। दिस इज़ एलिमेंट्री कैनाल में आप देखेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो हैं वो एंटर कर जाते हैं लार्वी, हेल्दी स्किन में से पेनिट्रेट कर जाते हैं और बहुत घाव से जो है लीजन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। लार्वी टू टाइप की हो सकती हैं, मैगेट हो सकती हैं, बोट हो सकती हैं। मैगेट जो होती हैं लॉन्ग होती हैं, सिलेंडर होती हैं, कैलिफोरा, कैल्चिमोमिया, लूसीलिया, मुस्का, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये वाउंड मियसिस के साथ जो हैं वो कंसर्न्ड होते हैं, और डर्टी और मॉइस्ट बॉडी पार्ट जो है अगर अफेक्टेड होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जहाँ पर डर्ट या मॉइस्ट हो बॉडी का। तो जो वाउंड एरिया होता है वो मॉइस्ट ही होता है, डर्टी होता है, तो वहाँ पर ये अटैक कर देते हैं। बोट जो है वो लार्ज साइज़ के होते हैं, राउंड होते हैं, और ये जो है फॉर फ्यूरनकुलर और माइग्रेटरी मियसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लासिकल डिस्क्रिप्शन अगर हम मियसिस का करें तो ये देखा जाता है कि होस्ट के किस पार्ट को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। डर्मल अगर स्किन के पार्ट करें, सब डर्मल स्किन से नीचे कर रहे हैं, क्यूटेनियस हैं, अगर वो स्किन को इन्वॉल्व हों, जैसे क्रीपिंग, जहाँ लार्वी जो है बरो करके स्किन के अंदर जो है वो एंटर कर जाती है और अंदर की जो स्किन है उसको खा जाती है। फ्यूरनकुलर में लार्वी जो है एक ही स्पॉट पे रहती है और वहाँ पर एक लीजन कोज कर देती है। नेजोफेरिंजियल, नोज़ के अंदर, साइनस में, फेरिंग्स में,
ऑप्थेल्मिक जो है, ऑकुलर जो है वो आई के अंदर भी हो सकता है और के बाहर भी हो सकता है। ऑरिकुलर जो कि ईयर के आसपास हो सकता है, गैस्ट्रिक है, रेक्टल है, इंटेस्टाइनल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, यूरोजेनाइटल भी हो सकता है। मियसिस को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्लिगेटरी मियसिस, फैकल्टेटिव फॉर्म में और एक्सीडेंटल फॉर्म में। ऑब्लिगेटरी मियसिस में क्या होता है, जो पैरासाइट होता है, फ्लाई पैरासाइट, लार्वी ऑफ पैरासिटिक फ्लाई स्पीसीज जैसे कि बोट फ्लाई, उनके जो लार्वी होते हैं उनको एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपने न्यूट्रिशन के लिए और डेवलपमेंट ऑफ देयर लार्वी। तो इन चीज़ों के लिए उनको एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे को हम ऑब्लिगेटरी मियसिस का नाम दे देते हैं। फैकल्टेटिव जो फॉर्म होती है उसमें ऑपरचुनिस्टिक बिहेवियर होता है और ये नॉन पैरासिटिक फ्लाइज होती हैं, वो उनको अगर होस्ट मिले तो वेल, नहीं मिलता तो वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके ऊपर उसको यूज़ कर लेते हैं अपने एग लेइंग के लिए। ओपन वाउंड्स हैं, सॉइल्ड हेयर हैं जो कि डर्टी हेयर हैं, वहाँ पर अपने जो एग्स जो हैं वो ले कर देते हैं। एक्सीडेंटल मियसिस में क्या है, एक्चुअली ये सूडो पैरासाइट्स मान लेते हैं इनको, कि अगर ये इंजेस्ट हो जाते हैं और कोई सिम्टम नहीं आएगा, कोई क्लिनिकल साइन नहीं दिखाई देगा, लेकिन फीसिस में या वोमिट में वो दिखाई देंगे। अगर उनको फर्दर अगर इनको लार्वी को कोई खा लेता है तो इनकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो जिस भी होस्ट के अंदर एक्सीडेंटली एंटर कर गए वहाँ पर उनकी डेवलपमेंट नहीं होती, तो ये इन्फेस्टेशन कॉज नहीं करते, इसको एक्सीडेंटल मियसिस बोल देते हैं। थ्री मेन फ्लाइज फैमिली जो हैं, जो कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है मियसिस इन लाइफ स्टॉक और ह्यूमन के लिए भी, जिसमें कैलिफोर्डी ब्लो फ्लाइज हैं, ऑस्ट्रिडेई बोट फ्लाइज हैं, सार्कोफेजिडेई जो है फ्लैश फ्लाइज होती हैं। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्टेड एनिमल वर्ल्ड वाइड के अंदर जो होस्ट है वो डोमेस्टिक शीप है। शीप के अंदर जो है जो इन्फेस्टेशन होता है मैगोट्स का, लार्वी का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डायग्नोस अगर आप मियसिस को करना चाहें तो उसमें अगर बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर वन और मोर नॉन हीलिंग लीजन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की इचनेस है वहाँ पर, ठीक है, इचिंग हो रही है, स्किन के नीचे कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है या पेन महसूस हो रहा है, डिस्चार्ज अगर हो रहा है छोटे से होल से कुछ फ्लूइड सा जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, और ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर प्रोट्यूडिंग फ्रॉम लीजन से कुछ वाइट स्ट्रक्चर जो कि लार्वी होते हैं वो अगर दिखाई दे रहे हैं तो डायग्नोस जो है मियसिस का किया जा सकता है। सम फ्लाइज जो होती हैं अपने एग्स को जो है मस्कीटोज के साथ अटैच कर लेती हैं, जब मस्कीटोज बाइट करते हैं तो लार्वी जो है वो एंटर कर जाती हैं बाइट के द्वारा। मैगट्स हैं, कुछ जो हैं स्क्रू वर्म्स फ्लाइज जिनको हम स्क्रू वर्म्स बोलते हैं, ऐसे भी होते हैं जो स्किन के नीचे बरो कर जाते हैं और जो कि नंगे पांव घूमते रहते हैं, बेयर फीट जो हैं पीपल घूमते रहते हैं, तो उनके पांव के थ्रू जो है वो पहुंच जाते हैं। सम फ्लाइज जो हैं डिपॉजिट देयर लार्वा नियर वाउंड या सोर के आसपास जो हैं, जो कि वाउंड मियसिस क्रिएट करते हैं वो कर देते हैं। मियसिस का ट्रीटमेंट जो बेसिकली तो मैनुअली रिमूवल होता है लार्वी का, जैसे कि वाउंड मियसिस केसेस में होता है। अगर ये ह्यूरनकुलर मियसिस है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि उस एरिया को ऐसे कवर कर देते हैं जिसके कारण रेस्पिरेशन जो है लार्वी की ब्लॉक हो जाती है, ओकुलेशन बोलते हैं उसको, जिसके कारण लार्वी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लार्विसाइडल एंटी पैरासाइट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर किलिंग ऑफ लार्वी। कुछ ये सिंड्रोम्स हैं जिनके सिम्टम है, जैसे क्यूटिनस मियसिस है, पेनफुल होती हैं,
स्लो डेवलपिंग अल्सर या फ्यूरनकुलर जो हैं, बॉयल्स हैं, लीजन जो हैं वो अपीयर होने लग जाते हैं, और ये कहता है प्रोलोंग पीरियड तक जो हैं वो रहते हैं। नेजल में जो है, नेजल पैसेज जो है वो, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर डेथ भी हो सकती है, और वहाँ पर फीवर के सिम्टम भी जो हैं वो आ जाते हैं। ओरल मियसिस के अंदर जो क्रॉलिंग सेंसेशन होती है या बजिंग साउंड जो है वो कान के पास जो है सुनाई देती हैं। स्मेली डिस्चार्ज, जो एक अलग सी स्मेल जो है वो डिस्चार्ज या लिक्विड डिस्चार्ज होता दिखाई देता है। अगर ये कहता है मिडल एयर के अंदर एंटर कर जाता है तो वहाँ से ब्रेन तक भी ये अपना रास्ता बना लेता है। ऑप्थेल्मोमियसिस हो सकती हैं जिसमें इरीटेशन, एडिमा जो है, पेन है, वो बहुत कॉमन है। बेसिलरी डिसेंट्रीज जो हैं वो, डिसेंट्री जो है एक इन्फेक्शन होता है इंटेस्टाइन का, जिसमें डायरिया, ब्लडी डायरिया जो है वो हो सकता है, और ये पैरासाइट और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, जो मियसिस थी हमने देखा वो लार्वी के द्वारा जो है, चाहे वो बोट है, मैगेट्स हैं, उनकी लार्वी के द्वारा जो है वो फैल रहा था, जिसमें हाउस फ्लाई जो थे एक मैकेनिकल वेक्टर का काम कर रहे थे। बेसिलरी डिसेंट्री जो है, इसमें भी हाउस फ्लाई एक मैकेनिकल वेक्टर का काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पैथोजन है या जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो बैक्टीरिया है। बेसिलरी डिसेंट्री जो है मोस्ट कॉमन टाइप की डिसेंट्री है, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, जैसे शाइजेला एक बैक्टीरिया है, इसको शाइजेलोसिस डिजीज बोल देते हैं। ये डायरेक्टली जो हैं ओरल के थ्रू या फीको ओरल रूट जो है उसको फॉलो करते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 1 to 3 days का होता है, और ये 7 days तक एक्सटेंड हो सकता है। ज़्यादातर ऐसी जगह जहाँ हाइजीन का पुअर हाइजीन है, ओवर क्राउडिंग है, इनप्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड है, वो कहता है मेन सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डायरिया विद बैली क्रैम्प्स, पेट में दर्द होना, फीवर होना, नोजिया या वोमिटिंग, ब्लड और म्यूकस जो है वो डायरिया के अंदर दिखाई देता है। डिसेंट्री डायग्नोसिस जो है उसके सिम्टम बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो इंटेस्टाइनल डिसेंट्री जो होती हैं। इसमें वही कॉमन जो है स्टमक एक जो है वो होता है, सैंपल जो है स्टूल का सैंपल लिया जाता है, उसके द्वारा ये कन्फर्म किया जाता है, इसको डायग्नोस किया जाता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले, क्योंकि डायरिया होने के कारण, वोमिटिंग होने के कारण जो है बॉडी के अंदर वाटर की जो है वो कमी हो जाती है, जिसके कारण उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो पेशेंट को जो है प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करने की जो है एडवाइस दी जाती है फॉर रिहाइड्रेट द। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, बैक टू फ्लूइड फॉर लॉस थ्रू डायरिया। मेडिसिन जो है बिस्मुथ हैं, सबसाइक्लेट हैं, ठीक है, पेप्टोबिस्मोल, जो कि सिम्टम इजी सिम्टम लाइक बैली क्रैम और डायरिया के अंदर दिए जाते हैं। ओवर द काउंटर पेन रिलीवर एसिटा मीनोफेन जो पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं उनको मैनेज करने के लिए दिया जाता है, एक तरह से पेन किलर्स का काम करते हैं। अभी तक कोई एग्जैक्ट वैक्सीन नहीं है इसको ट्रीट करने के लिए। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें वाटर और वाटर के अंदर सॉल्ट और जो शुगर है उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसको टाइम जो है फ्रीक्वेंटली जो है ड्रिंक किया जाता है। इंट्रावीनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट, अगर क्योंकि अगर कोई पेशेंट सीवियर कंडीशन में होता है तो वो जो भी ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी जो है नहीं हो पाती, क्योंकि बार बार वोमिटिंग और बार बार जो डायरिया के कारण जो है वो वाटर की जो फ्लूइड का कंटेंट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस केस में इंट्रावीनस जो है वो फ्लूइड जो है रिप्लेसमेंट किया जाता है बॉडी के अंदर।